महाराष्ट्र के उस्मानाबाद जिले का ये लड़का है जो कुछ दिनों पहले वहाँ से मोटरसाइकिल लेके अपने घर से भागा था। उस्मानाबाद पुलिस ने हमारा कांटेक्ट किया और उसका मोबाइल के आधार पे उसका लोकेशन खड़ीर पुलिस स्टेशन के धोड़ावीरा विस्तार में आ रहा था। खड़ीर पुलिस स्टेशन में उसके PI और DYSP, LCB, SOG और लोकल जो पब्लिक और ख़ास करके पगी उनको साथ में लेके कल पूरे दिन में रण एरिया में जो तहकीकात की तो उसमें वो लड़के के स्टेप्स 4 किलोमीटर जितने अंदर रन में आ रहे थे, आगे भी उसको ट्रेस किया। फिर BSF की मदद लेके ये लड़का अभी कल शाम को हमें खावड़ा पुलिस स्टेशन की हद से 1055 पिलर नंबर के पास से BSF को मिला है और अभी खावड़ा पुलिस स्टेशन से हमारी SOG की टीम ने उसका पोजीशन लिया है और खड़ीर में उसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन जॉइंट इंट्रोगेशन की जाएगी और बाद में महाराष्ट्र पुलिस जब अभी आने के लिए निकल गई है उनको अगली लीगल प्रोसीजर के लिए सौंपा जाएगा। सर, क्या जानकारी सामने आई है किस वजह से वो पाकिस्तान की ओर चल पड़ा था? प्राइमरी उस्मानाबाद पुलिस के पास से ये इन्फॉर्मेशन मिली है कि वो कोई किसी लड़की के साथ फेसबुक पे कांटेक्ट में था और उसकी उसके साथ फ्रेंडशिप हो गई थी और उसके मिलने के लिए वो यहाँ से रण से निकलने वाला। कुछ कच्चे मकान और झुग्गियां बह गईं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के कई जिलों में हल्की बूंदाबांदी और रुक रुक कर बारिश हुई। भारी बारिश के मद्देनजर मौसम विभाग ने कई राज्यों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विज्ञान विभाग ने पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में मूसलाधार बारिश का अनुमान लगाते हुए रेड अलर्ट जारी किया है। पहाड़ी इलाकों में मूसलाधार बारिश से कई जगहों पर भूस्खलन की घटनाएं हो रही हैं। पिथौरागढ़ के मुनस्यारी में मूसलाधार बारिश ने भारी तबाही मचाई है। एक तरफ जहां पहाड़ों से मलबा गिर रहा है तो वहीं बारिश का पानी लोगों के घरों में घुस रहा है। असम में पिछले 2 से 3 दिन में मूसलाधार बारिश से थोड़ी राहत मिली है जिसकी वजह से बाढ़ की स्थिति में कुछ सुधार देखा जा सकता है। हालांकि अभी भी राज्य के 24 जिलों के 2400 गाँव में 25 लाख से अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित है। बाढ़ के कारण मरने वालों की संख्या 84 हो गई है। वहीं भूस्खलन की वजह से 26 लोगों की मौत हो गई है जिससे मरने वालों की कुल संख्या 110 हो गई है। उधर बिहार में सभी प्रमुख नदियों के उफान पर रहने से राज्य में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। बूढ़ी गंडक नदी की बाढ़ से मुजफ्फरपुर का एक गांव जलमग्न हो गया है। राज्य के 8 जिलों में 2,92,000 की आबादी बाढ़ प्रभावित है। बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों से 11,000 से अधिक लोगों को निकाला गया है। 7 राहत शिविर स्थापित किए गए हैं जिनमें 2,000 से अधिक लोग शरण लिए हुए हैं। लगभग 20,000 बाढ़ प्रभावित लोगों को पका हुआ भोजन उपलब्ध कराने के लिए 27 सामुदायिक रसोई चलाई जा रही हैं। अनेक परिवारों ने तटबंधों पर शरण ली हुई है। हिमाचल प्रदेश में आगामी दिनों में अधिक बारिश की संभावना को देखते हुए मौसम विभाग ने येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हिमाचल प्रदेश के 10 जिलों में 20 व 21 जुलाई को भारी बारिश की चेतावनी देते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।